मनाए जा रहे यातायात जागरूकता माह का समापन श्री सलभ माथुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा महोदय की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में किया गया। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह ने बताया कि नवंबर माह में मनाए गए यातायात माह में ट्रैफिक पुलिस द्वारा 18,000 से भी ज्यादा वाहनों के चालान किए गए। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से शुरू है यातायात माह में चालान से विभाग को 2,20,00,000 प्राप्त हुए, जो पिछले कई वर्षों से ज्यादा है। 1 दर्जन विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा यातायात माह में अच्छे कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों तथा संस्थानों के पदाधिकारियों एवं पत्रकारों को प्रतीक चिन्ह व प्रस्तुत पत्र देकर सम्मानित किया। उपस्थित अधिकारियों द्वारा सड़क पर सुरक्षित चलने के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर श्री अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक नगर, डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक यातायात, श्री अंकुर अग्रवाल एएसपी मथुरा, श्री राकेश क्षेत्राधिकारी नगर एवं अन्य अधिकारी गण व जागरूकता अभियान में सहयोग करने वाले संस्थानों तथा अपराध निरोधक टीम लखनऊ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। पेश है मथुरा के संवाददाता अनिल शर्मा की खास रिपोर्ट। इसके लिए ये भी बहुत जरूरी होता है कि जो हमारी सिविल पुलिस है, यानी कि जो थाने की पुलिस है, चौकी की पुलिस है, वो भी ट्रैफिक डिसिप्लिन कराने के अंदर इन्वॉल्व है। चाहे वो चौराहे के ऊपर अतिक्रमण हो, चाहे वो 3 सवारी हो, चाहे हेलमेट हो, चाहे सीट बेल्ट का पालन करना हो। इसका जब हमने रिव्यू करना चालू किया इस महीने की शुरुआत से लेकर मिड में जब हमने देखा, तो बहुत सारी चीजें ऐसी लगी कि हम लोग सुधार कर सकते हैं। सुधार इन दी सेंस कि अभी हमारे ट्रैफिक के अंदर बहुत सारे लोग एनसीपी एंड अबाउ स्तर के थे, जो कि बेहतर ही चालान कर सकते हैं। बहुत सारे थानों को अपने इस चालान का पासवर्ड इत्यादि जानकारी है। जब हम लोगों ने इसको रिव्यू किया और हम लोगों को इस बारे में रोड यूनियन के जो भी समाजसेवी रहे, उन्होंने रैलियां निकलवाई, जिसमें हम लोगों ने 5,000 लोगों के साथ ये पूरी कार्रवाई की है। और जो मुख्य रूप से है, मेन उद्देश्य रहता है यातायात माह का, अधिक से अधिक जागरूक करके दुर्घटनाओं में